Good morning students, today we are going to continue with exercise 14.2. Question number 1, here we are seeing only sides. सिर्फ sides को देख के, तीनों sides को देख के हम prove करेंगे they are congruent. See, here AB is equals to 2.6, XZ is equals to 2.6. B के बाद आता है C, तो हमें कहाँ पे जाना है, XZ लिया तो हमें कहाँ पे जाना है, 3.5 वाली लाइन पे, तो 3.5 इज कमिंग ऑन एक्स वाई. सो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जेड एक्स एक्स वाई एंड वाई जेड. सो जेड एक्स इज सेम एज ए बी, बी सी इज सेम एज एक्स वाई एंड वाई जेड इज सेम एज ए सी. सो बाई कॉन्ग्रुएंस SSS रूल वी कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जेड एक्स वाई. रिटर्न वर्क हैव गिवन इन गूगल क्लासरूम. इन गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू बी डी एंड सी ए इज इक्वल्स टू डी सी. सी ए बी ये सेम है, ये दोनों ए बी एंड बी डी, सी ए एंड डी सी दे आर सेम एंड बी सी तो कॉमन है दोनों में. सो वी कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि एक एंगल दोनों, मतलब ये बी सी इज सेम एज एंगल सी बी डी. एंगल ए बी सी इज सेम एज एंगल सी बी डी बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन ऑल दी एंगल्स आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. फाइन, नेक्स्ट. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. हमें दिया है ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड. कहाँ गया, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड, मतलब ये मीडियन है. ओके, मीडियन ए डी इज इक्वल्स टू मीडियन एक्स ई, दिस टू आर सेम. वी नीड टू प्रूव दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन में क्या लिखोगे, ये जो साइड्स दिए हैं हमें ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल्स टू वाई जेड, मीडियन ए डी इज इक्वल्स टू मीडियन एक्स ई. टू प्रूव में लिखना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई ई एंड ओवर हीयर वी नो दिस इज़ अ मीडियन. ये मीडियन है तो इसको आधा आधा डिवाइड करेंगे बी सी को. सो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट. सो वी कैन राइट टू बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज अगर ये फोर है तो अगर हम बी सी फाइंड करना है तो फोर टू जार एट, राइट. सो टू बी डी इज इक्वल्स टू बी सी. सेम वे टू वाई ई इज इक्वल्स टू वाई जेड. पूरा वाई जेड कब आएगा, टू वाई ई, आधा आधा है ना ये, इसको दिस डिवाइड्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स एज इट इज मीडियन. सो हमें तीन मिल गया, बी डी इज इक्वल्स टू वाई ई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मीन्स दिस टू साइड्स आर इक्वल, दिस टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट, एंड दिस इज कॉमन साइड. सो तीन साइड मिल गए, बाय एस 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 रूल वी कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ दिस इज गिवन 7 सेंटीमीटर, 7 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे. सो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, फिर बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड आर पी इज इक्वल्स टू ए सी ए, बट वी हैज टू राइट एंड नेम द करस्पॉन्डिंग करेक्ट करस्पॉन्डेंस. हमें वापस एंगल्स भी लिखने हैं. ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी. रिटर्न वर्क यू विल राइट फ्रॉम गूगल क्लासरूम. एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर. सेम वे यहाँ पे देखो, ए बी क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे. सो क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी, आर पी इज इक्वल्स टू बी सी, सी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू. सो ट्राइंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू. हम यहाँ पे लिखते हैं ना कि ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर. ओके, तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि ए एंड क्यू आर सेम एंड बी एंड आर आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. फाइन, सो नाउ शो दैट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स. सो ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो हम ऐसे उल्टे जाएंगे यहाँ से. ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, सो आर पी इज इक्वल्स टू फोर ए बी, बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड सी ए इज इक्वल्स टू क्यू आर. सो ए ट्राइंगल
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, तो इस हिसाब से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। यहाँ पे हमें पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स दिखना है, लिखने के लिए पूछा है, तो हम इक्वल्स टू की साइन लिखेंगे एंगल्स के बीच में। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस पूछा है इसलिए हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट की साइन करेंगे, ठीक है।